रेलेवेंस जो है वो बना चुका है अपने पंजाब प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो उनको जो एक जो शह मिल रही है, जो एक ताकत मिल रही है पाकिस्तान में, वो इतनी मजबूत है, और खासतौर के पाकिस्तान की फौज से। जब तक हम उसे नहीं टारगेट करेंगे, ये कार्रवाई करते रहेंगे। हम मुड़ जवाब देते हैं लश्कर ए तैयबा को, जैश मोहम्मद को, एलसी के ऊपर, लेकिन हमें जो उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मुरीदके के अंदर उनके हेडक्वार्टर्स हैं लश्कर ए तैयबा के, भावलपुर के अंदर हैं जैश मोहम्मद के, वहां पे हमें उन्हें ठोकना है। और ठोकना कैसे है, हमें जरूरी नहीं हम खुद करें, पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लिए काम कर देंगे, और हमें ये कैपेबिलिटी तैयार करनी है, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी तैयार करनी है। तो अनलेस वी डू दैट, यू हैव टू कट, लोहे को लोहा काटता है। यू कैनॉट अफोर्ड टू यूज कन्वेंशनल रिसोर्सेज एक एसिमेट्रिक जो एक थ्रेट है उसके खिलाफ। आपको एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, ना कि अपनी वो कैपेबिलिटी हो, वो कैपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाम को इस्तेमाल करते हुए। देखिए, कौन कौन ताकत दे रहा है टेररिस्ट को, हमने ये समझना है। पाकिस्तान के अंदर उनको टेररिस्ट, उनकी बेसिकली जो आर्मी है वो दे रही है। तो जब तक आर्मी को हम पनिश नहीं करेंगे थ्रू कनेटिक, थ्रू नॉन कनेटिक मीन्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर्ट कोवर्ट ऑपरेशन के साथ में, पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारा कहना नहीं मानेगी, ना वो इस चीज को मानेगी। देख, सेना है वो ये चीज हल नहीं कर सकती है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है, उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। और इसके साथ साथ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की, अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, जो कि हमारे मुल्क में वो कर रहे हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए, हमें वो करना चाहिए। तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर, तो यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है, उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल, उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है, और वे तभी होगा जब हम उनको उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मीन्स। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो बॉर्डर